महिला क्रिकेट टीम ने एशियन गेम्स के सेमीफाइनल में बनाई जगह। खेल जगत की कुछ और खबरों को जानने के लिए चलिए सीधे चलते हैं खेल चक्कर। टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच शुक्रवार से मोहाली में वनडे सीरीज की शुरुआत होगी। ये मैच दोपहर 1:30 बजे से IAS बिंद्रा स्टेडियम में खेला जाएगा। पहले दो वनडे में KL राहुल टीम की कमान संभालेंगे, जबकि तीसरे वनडे के लिए रोहित शर्मा और विराट कोहली टीम में लौट आएंगे। मैच से पहले हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीम के कोच राहुल द्रविड़ ने साफ किया, इन्हें शारीरिक और मानसिक तौर पर फिट रखने के मकसद से आराम दिया गया है। वहीं द्रविड़ ने सूर्य कुमार यादव को वनडे सीरीज में पूरा मौका देने की बात कही। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने एशियन गेम्स के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। दरअसल मलेशिया के खिलाफ बारिश के चलते मैच रद्द हो गया, जिससे भारतीय टीम अगले दौर में पहुंच गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि भारत की रैंकिंग मलेशिया से ऊपर है। इंग्लैंड की काउंटी क्रिकेट में करुण नायर ने नॉर्थम्पटनशायर क्लब की तरफ से शतक ठोका। उन्होंने सर्रे के खिलाफ ये 150 रनों की पारी खेली। ये काउंटी में उनका पहला शतक है। करुण नायर की इस पारी की बदौलत नॉर्थम्पटनशायर की टीम ने पहली पारी में 357 रन बनाए। एशियन गेम्स में भारतीय फुटबॉल टीम ने अपने दूसरे मैच में बांग्लादेश को 1-0 से हरा दिया। ये एकमात्र विजयी गोल सुनील छेत्री ने किया। अब रविवार को भारत का मुकाबला म्यांमार से होगा। दक्षिण अफ्रीका की वर्ल्ड कप टीम के 15 सदस्यों का ऐलान कर दिया गया है। इसमें तेज गेंदबाज एंड्रिक नोरकिया और सिसांडा मगाला को जगह नहीं मिली। ये दोनों ही खिलाड़ी घायल हैं। टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल के लिए राहत भरी खबर आई। दिल्ली लॉन टेनिस एसोसिएशन ने उन्हें 5 लाख रुपए देने का ऐलान किया, जबकि पेप्सिको ने भी उन्हें 3 साल के लिए मदद देने की घोषणा की। वहीं अमेरिकी कंपनी गेटोराइड ने भी नागल को अपने साथ जोड़ लिया। इससे पहले सुमित नागल ने एक इंटरव्यू में अपनी ट्रेनिंग के लिए काफी कम पैसे बचे होने की बात कही थी।